एवरीवन, इट्स योर लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। मजहब की आड़ में लव जिहाद का गंदा खेल खेलने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी सारी करतूतों का हिसाब करने वाला कानून यूपी की योगी कैबिनेट में पास हो गया है। सीएम हाउस पर हुई बैठक में लव जिहाद पर कानून पास कर दिया गया है। यूपी सरकार ने लव जिहाद और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए इस अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस को पारित किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए पहले तो लव जिहाद क्या है यह जानना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो लव जिहाद या जिहाद मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने के लिए प्रेम का ढोंग रचना है। आपने भी देश में कई बार लव जिहाद के किस्से सुने ही होंगे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद को लेकर टिप्पणी की है तब से यह शब्द चर्चा और बहस का हॉट टॉपिक बन गया है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश का शब्द लव यानी कि प्यार मोहब्बत, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लव जिहाद के नाम से जानते हैं। इस मुद्दे ने तूल तब पकड़ा जब केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिलन अशोकन की शादी को रद्द कर दिया। इस केस में निकाह से पहले अखिला ने प्यार में पड़कर धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया था, जिसके खिलाफ अखिला के माता पिता ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन ISIS में फिदाइन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया है, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने इस निकाह को रद्द कर दिया था। बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को एक ऐसे अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जो धार्मिक रूपांतरण को नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती अपराध बनाता है। अगर कोई शादी के लिए अपना नाम बदलकर यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन करके या फिर फ्रॉड धोखा करके या बलपूर्वक या डरा धमका के धर्म परिवर्तन कराता है तो इसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल के कारावास को आमंत्रित किया जाएगा। यहीं पर यदि एक नाबालिग महिला या SC/ST कम्युनिटी की महिला को गैर कानूनी तरीके से परिवर्तित किया गया तो फिर जुर्माने की राशि 25,000 रुपये तक बढ़ सकती है और कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। यह अध्यादेश बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करने वाले सामाजिक संगठनों का पंजीकरण रद्द करने का भी प्रावधान रखता है। सामूहिक रूपांतरण के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल के साथ 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के अनुसार अगर धर्म परिवर्तन केवल शादी के उद्देश्य से किया गया है तो उस शादी को नल एंड वॉइड यानी कि शून्य या अमान्य माना जाएगा। हालांकि इस अध्यादेश में यह भी बात उल्लेखित है कि अगर कोई मात्र विवाह के लिए दूसरे धर्म में परिवर्तित होने की इच्छा रखता है तो उस व्यक्ति को शादी के 2 महीने पहले निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से DM यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। अगर उन्हें अनुमति मिलती है तो वे अपने धर्म को विवाह के साथ बदल सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया को नज़रअंदाज किया गया तो इसके लिए 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में
फरीदाबाद में हुए निकिता तोमर हत्याकांड के बाद लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार के भी प्रस्तावित कानून पाइपलाइन में हैं, यानी कि उन पर काम जारी है। किसी विशेष शब्द, संदर्भ या डेटा का हवाला दिए बिना उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि बीते कुछ वर्षों में जबरन रूपांतरण के 100 से भी अधिक घटनाएं सामने आई हैं। जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है वह दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कानून और व्यवस्था में आने वाली समस्याएं इस अध्यादेश से गायब हो जाएंगी।